नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों थोड़ा समय लेट हूँ लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन तो देनी थी। जो आपका करिजेंडम नंबर एनटीपीसी के रिगार्डिंग 11 आया है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ है जिसको अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें आपके लिए पॉजिटिव है। देखिए, एक IREPS का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, और ये आपके जो चेन्नई की वेबसाइट है वहाँ पे भी ये कोरिजेंडम डाले गए हैं। इसके तहत और भी नोटिस डाले गए हैं, तो यानी कि तमाम चीज़ों को एनालाइज करके एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं कोरिजेंडम नंबर 8। यहाँ पे देखिएगा 17 को ही आया है, मैं वीडियो 18 को बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं ड्यूटी में था, तो अभी आया हूँ, तो मेरे पास ईयरफोन नहीं था जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक्चुअली है क्या। देखिए, जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे तो 3 शिफ्ट में हुआ करते थे। सबसे मेन मुद्दा यही है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। तो ऑब्वियस है, जितना अप्लीकेंट यहाँ पे एनटीपीसी में अप्लाई किए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जितना अप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई किए हैं उसके तहत आपको एग्ज़ाम है वो तकरीबन 2 महीना जा सकता है, 2 महीना लगभग जाएगा ही, क्योंकि पिछली बार भी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी तरीके से इतना वैकेंसी इतना अप्लीकेंट थे, तो उसके अनुसार 2 महीना के तकरीबन चली गई थी। तो इस बार भी 2 महीने जाने वाले थे, वो कब, जब आपके 3 शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन इस बार आपके जो नोटिस आए हुए हैं उसमें 2 ही शिफ्ट होगा। अब जब 2 शिफ्ट होगा उसमें उन्होंने रीजन बताया है कि क्यों 2 शिफ्ट होगा, क्योंकि हर बार उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं। जैसे ही आप बैठेंगे या उसके बाद जब आप उठेंगे, तो उसके बाद पूरा आपका कंप्यूटर जितना भी चीज़ें होती है सबको सैनिटाइज किया जाएगा, तो इसकी वजह से टाइम तो लगेगा उसमें। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 ही शिफ्ट में होगा। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो तकरीबन 3 से 3.5 महीना खींच सकता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम। बहुत सारे आपके कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे, ऑब्वियस करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जो लोग हैं इधर से उधर होंगे, एक ही जगह पे बैठेंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 से 3.5 महीना मिनिमम खींच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना भी जा सकता है, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है अगर 15 दिसंबर से शुरू भी हो जाती है, जो कि कम ही उम्मीद लगती है कि एग्जैक्ट 15 से हो, 1 सप्ताह आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि चलो ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है 15 दिसंबर को, तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपके 15 मार्च तो ऐसे ही खिंच गए, 3 महीना अगर लेते हैं तो 3.5 महीना लेते हैं तो आपके मार्च पूरा खिंच जाएंगे। तो अगर हम बात करें ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो इस नोटिस के आने के बाद आपके अप्रैल में ही संभव दिखते हैं। इससे पहले आपके नोटिस नहीं आए थे तो मुझे लग रहा था कि जैसे पहले करा रहे थे 3 शिफ्ट में वैसा ही कराएंगे, लेकिन जब नोटिस आ गई कोरिजेंडम नंबर 11 में, इसमें पैसे वैसे के बारे में दे रखे हैं, नोटिस इसके दूसरे IREPS पे है, इसमें नोटिस दे रखा है। तो नोटिस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं एक आप कह सकते हैं कि उसका जिस्ट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। तो आपके जो टोटल अगर बात करें मंथ की, तो 3 से 3.5 महीना आपके लगेंगे एनटीपीसी में, और उतना ही, उससे ज़्यादा ही टाइम आपके ग्रुप डी में लग सकते हैं, तकरीबन 4 महीने उसमें लग सकते हैं जिस तरह के नोटिस में कहा गया है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। अगर आप सिर्फ ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं तो आप मान के चले कि अभी दिसंबर के बाद भी आपके पास 4 महीने का मिनिमम तो टाइम है। ऐसा नहीं है कि तुरंत शुरू हो जाएगा, हो सकता है 10-15 दिन उसमें गैप मिले एनटीपीसी के बाद, तो मिनिमम 4 से 5 महीना तो आपके दिसंबर के बाद भी है, ठीक है। और एनटीपीसी तो पहले ऑब्वियस से शुरू होगा ही, जो कि मैं एज यूजल बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो और भी जो भी आपके मन में क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।